दोस्तों नमस्कार, मैं रमनू सिंह सतना शहर के अरबपति गरीब व्यापारी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। यह अरबपति व्यापारी है गणेश टावर के मालिक राकेश अग्रवाल। राकेश बड़े वाले समाज सेवी हैं। जयस्तंभ चौक पर गणेश टावर नाम का इनका मार्केट बना हुआ है। बताया जाता है इस मार्केट में बनी एक दुकान का किराया प्रति माह 30 से 50 हजार तक है। इतना ही नहीं, इस मार्केट में लगभग 50 दुकानें हैं। प्रथम मंजिल पर बालाजी बैंक भी है। बैंक के लिए जो पार्किंग का स्थान पहले खाली था, अब वहां पर भी दुकानों का निर्माण हो चुका है। बताया तो यह भी जा रहा है कि प्रति माह इस मार्केट से लगभग 10 लाख रुपए का किराया आता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने गरीब क्यों कहा। धैर्य रखिए, पहले अमीरी की कहानी पूरी सुन लीजिए, फिर गरीबी वाला पार्ट भी पेश करते हैं। बालाजी बैंक की एक कमेटी है। इस कमेटी में सतना के महापौर योगेश ताम्रकार भी हैं। महापौर क्यों कभी इस बात की जांच नहीं कराते हैं कि बैंक की पार्किंग वाली जगह पर दुकानों का निर्माण कैसे कर लिया गया। नगर निगम नक्शा भी तो पास करता है। खैर, फिलहाल मार्केट के मालिक राकेश अग्रवाल की बातों पर लौटते हैं। राकेश अग्रवाल को नेताओं की संगत का भी शौक है। सुनते हैं सतना सांसद गणेश सिंह से राकेश की गहरी वाली दोस्ती है। गणेश सिंह को सतना विधानसभा का चुनाव राकेश अग्रवाल जिताना चाहते थे। मतगणना वाले दिन तो फूल माला भी एडवांस में ऑर्डर दे दिए गए थे, मगर वह चुनाव हार गए। गणेश सिंह के चुनाव हारने से गणेश टावर के मालिक राकेश अग्रवाल पर काफी गरीबी का आलम छा गया है। मैंने लोगों से पूछा, पैसा वैसा बहुत खर्च किए हैं क्या? लोग कहते हैं यह अंदर की बात है, अभी तक बाहर कोई खबर नहीं आ पा रही है। दरअसल सतना स्मार्ट सिटी बनना चाह रहा है। राकेश अग्रवाल जैसे अरबपति शहर को स्मार्ट सिटी बनने नहीं देना चाहते हैं। चुनाव गणेश सिंह हारे, गरीबी राकेश अग्रवाल पर छा गई। किराया हर महीने लाखों रुपयों में आ रहा है। चलिए इंतजार खत्म करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। गणेश टावर में बालाजी बैंक के लिए प्रथम मंजिल पर जाने वाली जो सीढ़ी बनी हुई है, उस सीढ़ी के ठीक सामने गणेश टावर के बाहर सड़क पर एक पान की दुकान बहुत दिनों से लगाई जा रही है या लगवाई जा रही है। इस दुकान का किराया प्रतिदिन 100 रुपए राकेश अग्रवाल लेते थे। गणेश सिंह के चुनाव हारने के बाद पान की दुकान का किराया बढ़ा दिया गया, 100 रुपए से 150 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है, जबकि यह दुकान सड़क पर लगी हुई है। यहां तक तो फिर भी ठीक था। अब गणेश सिंह के चुनाव हारने के बाद गणेश टावर के मालिक राकेश अग्रवाल ने पान की दुकान के बगल में एक फुल्की की दुकान भी खुलवा दी है। फुल्की की दुकान को लेकर तरह तरह की बातें बताई जा रही हैं। कोई कह रहा है 150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से राकेश अग्रवाल ने यह फुल्की की दुकान खुलवाई है। कुछ लोग कह रहे हैं राकेश अग्रवाल ने पार्टनरशिप में यह फुल्की की दुकान खुलवाई है। फुल्की की दुकान भी सड़क पर लगी हुई है। सच क्या है, राकेश अग्रवाल पार्टनर है या किराया लेते हैं, यह तो राकेश अग्रवाल और फुल्की बेचने वाला ही बता सकता है। मगर कल मैंने अपनी आंखों से उस फुल्की की दुकान पर राकेश अग्रवाल को बैठे हुए देखा, तो मुझे भी कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे राकेश अग्रवाल बैठकर वहां फुल्की बेच रहे हों। लाखों रुपयों के किराए से जिसका पेट नहीं भरता, वह सड़क पर दुकान लगवाकर 100-200 रुपए रोज की वसूली कर रहा है। भाई, मैं तो यह कहूंगा शहर के लोग ऐसे गरीब की मदद करें। 2-4 चाय और चाट की दुकान वाले राकेश अग्रवाल से संपर्क करें, 100-200 रोज की मदद पहुंचाएं, सड़क पर कब्जा करके शहर की शोभा बढ़ाएं। राकेश अग्रवाल इतने गरीब गणेश सिंह के चुनाव हारने से हुए हैं या वह दिल से इतने गरीब हैं कि किसी गरीब की मदद करने के बजाय 100 रुपए रोज वसूलने में लगे हुए हैं? सतना शहर में ऐसे गरीब अकेले राकेश अग्रवाल हैं ऐसा भी नहीं है, कई अन्य करोड़पति भी ऐसे गरीब हैं। जल्द एक और अन्य करोड़पति अरबपति गरीब व्यापारी की दास्तान लेकर हम आपके सामने आएंगे। यह खबर कैसी लगी? अपनी राय, अपने सुझाव और कोई ऐसी खबर या जानकारी हो तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।